नमस्कार, आप देख रहे हैं राजतंत्र। आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। ये बात उस दौर की है जब फैसले संसद में नहीं मैदान में हुआ करते थे। बात उस दौर की है जब कानून कलम से नहीं तलवारें लिखा करती थीं। ये बात उस दौर की है जब इतिहास स्याही से नहीं रक्त से लिखा जाता था। ये बात उस दौर की है जब आज की तरह जनतंत्र या लोकतंत्र नहीं हुआ करते थे। तब होता था राजाओं का राज और चलता था राजतंत्र। राजस्थान की इस धरती पर वीरता और बलिदान के ऐसे ऐसे किस्से हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज के राजस्थान से कहीं पहले इस जमीन को अपनी रक्षा के लिए हजारों हजार युद्ध लड़ने पड़े। राजस्थान की धरती के वीरों ने अपने रक्त और बलिदान से वो इतिहास लिखा जिसकी गाथा आज की दुनिया को ये बताती है कि यहाँ के वीर योद्धाओं को सर कटाना मंजूर था लेकिन सर झुकाना नहीं। राजस्थान की इस मिट्टी के खून से लिखे किस्सों और स्वर्णिम इतिहास की बेमिसाल दास्तानों को जी राजस्थान आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। आज बात अपने बलिदान के लिए अमर और राजस्थान के गौरव का प्रतीक सलुम्बर की हाड़ी रानी की। राजस्थान के शौर्य और पराक्रम के अनगिनत किस्से आपने सुने होंगे, हजारों पराक्रमी वीरों की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन इस राजस्थान और राजपुताने में जब महिलाओं के बलिदान को याद किया जाता है तो पद्मावती, कर्णावती, पन्नाधाय जैसे कई किस्से सामने आते हैं। लेकिन इस बीच अगर आपने हाड़ी रानी के बारे में नहीं सुना तो कुछ नहीं जाना। राजतंत्र में आज लिए चलते हैं सलुम्बर। तैयार हो जाइए क्योंकि जो आप जानेंगे वो आपको बेचैन कर देगा। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों का आलता। महल में उत्साह का माहौल था, शहनाइयों की गूंज भी अभी मंद नहीं पड़ी थी। रनवासे में खुशियां चारों तरफ नजर आ रही थी, लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि सलुम्बर के इस महल में चंद ही दिनों में एक सुनहरा इतिहास खून से लिखा जाना था। ये दास्तान है उस हाड़ी रानी की जो बूंदी के हाड़ा सरदार खेंगार के घर जन्मी थी। हाड़ा सरदार खेंगार की इस फूल सी दुलारी का नाम अंदर कवर रखा गया। राजपुताने के इतिहास की इस महानायिका की बात उसके बलिदान से शुरू करते हैं जिसने मेवाड़ के उस छोटे से ठिकाने सलुम्बर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो सलुम्बर जिसकी पहचान उन चुंडावत वीरों से होती थी जो मेवाड़ का हरावल दस्ता कहलाता था। बात उस वक्त की है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। बात साल 1660 ईस्वी की है। सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत के महलों में खुशियां आई थी। रावत रतन सिंह की शादी बूंदी के सरदार खंगार सिंह की बेटी अंदर कवर के साथ हुई थी। पूरे महल को किसी दुल्हन की मानित सजाया गया था। रावत रतन सिंह भी अपनी नई रानी के प्रेम पाश में भविष्य के ताने बाने को बुनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी महाराणा राज सिंह का हरकारा महलों में पहुंचा। यह हरकारा अपने साथ एक फरमान लाया था। यह फरमान रावत रतन सिंह के लिए था। इस फरमान में महाराणा ने रावत रतन सिंह को जानकारी दी थी कि अजमेर के पास रूपवास की राजकुमारी चारुमती से मुगल सम्राट औरंगजेब बलात् विवाह करना चाहता है, जबकि चारुमती महाराणा को अपना पति मान चुकी है।
महाराणा ने खुद रूपनगर कूच करने की बात लिखते हुए रावत रतन सिंह को आदेश दिया था कि वो अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध के लिए कूच करें और औरंगजेब की सेना को रूपनगर पहुंचने से रोकें ताकि राजकुमारी चारुमती के सतीत्व की रक्षा की जाए। औरंगजेब ने चारुमती को रूपनगर के राजा को यह संदेश भेजा कि मैं आपकी चारुमती जो लड़की है उससे मैं वरण करना चाहता हूँ। जब ये संदेश चारुमती को मिला तो वह एक विधर्मी के साथ में विवाह करने में उसका मन कतई तैयार नहीं हुआ। उसने किसी पुरोहित के माध्यम से राज सिंह जी को पत्र भेजा कि मेरा बलात्हरण करना चाह रहा है औरंगजेब दिल्ली का बादशाह और मैंने स्वयं आपको वरण कर लिया है, मैंने अपने मन में आपको वरण कर लिया है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और आप मुझे वर कर यहाँ से ले जाइए। कहा जाता है कि जब महाराणा का फरमान रावत रतन सिंह चुंडावत को मिला तो उस समय उनके घर में विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था। विवाह के पश्चात की तमाम जो रस्में हैं उनको अदा किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच फरमान आता है और रावत रतन सिंह चुंडावत अपनी सेना के साथ तैयार होकर रण क्षेत्र के लिए कूच करते हैं। महाराणा का ये फरमान चुंडावत के लिए एक बड़ी उलझन पैदा कर गया। जिस वीर चुंडावत के हाथ की तलवार दुश्मनों के रक्त की प्यासी थी और कहा जाता है कि उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती थी, उसी चुंडावत रतन सिंह के चेहरे पर युद्ध के नाम से चिंता की लकीरें पहली बार दिखाई देने लगीं। रतन सिंह के जहन में यकायक अंडर कवर का चेहरा घूम गया। पत्नी का मुंह कर्तव्य पर भारी पड़ने लगा। सलुम्बर का यही महल उस संवाद का गवाह भी बना जब रतन सिंह चुंडावत ने अपनी नव विवाहिता हार्डी रानी से अपने मन की इस दुविधा के बारे में कहा हो। राव रतन सिंह जी वो संदेश पढ़ने के बाद थोड़े से विचलित जरूर हुए कि मैंने नया विवाह किया है तो कैसे मैं अपनी इस नव नवेली दुल्हन को छोड़कर युद्ध भूमि की ओर चला जाऊं। उनके मन में शंका थी। राजा जी ने हरी रानी से इंद्र कंवर से चर्चा की कि मैं युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं, लेकिन आपकी इस हाथों की मेहंदी को देखकर मेरा मन कहीं न कहीं विचलित होता जा रहा है। इतिहासकार जब दास्तानों को शब्दों में पिरोकर लिखने की कोशिश करते हैं तो लिखते हैं कि शौर्य के संस्कारों से जन्मी हाड़ी रानी अंदर कवर ने रावत रतन सिंह की वीरता को झकझोरने की भी कोशिश की। थोड़ा सा उनको अनमना देखती है तो वो कहती है कि आप किस सोच विचार में या किस उलझन में पड़ गए हैं स्वामी। रावत रतन सिंह में जब उसने उत्साह की कमी देखी तो उसने अपने पति को प्रेरित किया। रानी ने चुंडावत के शौर्य और बलिदान के इतिहास की दुहाई भी दी और महाराणा को स्वामी भक्ति की याद भी दिलाई। मेवाड़ की मिट्टी के कर्ज को भी उल्हाने में शामिल किया। क्षत्र धर्म का निर्वाह करिए वो अपने पति से कहती है और इस क्षत्र धर्म के निर्वाह के अंदर दोनों ही बातें आ जाती है कि जो स्त्री शरण में आई है स्त्री की रक्षा करना भी एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने स्वामी को जब आज हमारी जरूरत है स्वामी की तो उसकी सेवा में जाना भी हमारा क्षत्रिय धर्म है कि हमने स्वामी का नमक खाया है और जब आज स्वामी को हमारी जरूरत है आज देश को हमारी जरूरत है तो आप जाइए। तभी युद्ध के लिए कूच करने से पहले रतन सिंह ने केसरिया बाना धारण करते हुए अपनी नवेली रानी को शिकायती लहजे में कहा होगा कि मेरी वीरता पर सवाल खड़ा न करो, ये वो हाथ हैं जिसमें थामी तलवार दुश्मनों का सर काट कर ही अपनी प्यास बुझाती है। इस बात की गवाही शायद तुम्हें उस वक्त हुई होगी जब शादी के दौरान हथलेवा की रस्म में मेरे हाथ में तलवार थामने से पड़ी ऐठन को तुमने महसूस किया होगा। लेकिन सवाल आज तुम्हारे भविष्य का है। एक नारी की रक्षा के लिए मेरा बलिदान हो जाए तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, यही सोच मुझे परेशान कर रही है। खुद कहते हैं रावत रतन सिंह, तुम मेरी वीरता की बात
कह रही हो, उस पर प्रश्न उठा रही हो, तुम्हें वीरता तो हथलेवे के समय ही पता चल गया होगा। तुम हथलेवे के समय तुमने मेरे आंटन से ही जान लिया होगा मेरी वीरता की बात, और वीरता की बात करनी है तो मेरे इस खांडे से पूछो कि मैं कैसा वीर हूं। हाडी रानी की उल्हाना रावत रतन सिंह को युद्ध से विमुख नहीं होने दे रही थी, और रतन सिंह का मन अभी भी हाडी रानी अंदर कवर के अंदर ही उलझा हुआ था। सलूम्बर के महल में चुंडावत सरदार की सेना तैयार थी, युद्ध का डंका बज चुका था। सेना की अगुवाई करते हुए रावत रतन सिंह ने भी घोड़े पर जीन कसकर रवाना होने की तैयारी कर ली थी। रतन सिंह की नजरें अचानक महल के झरोके पर पड़ी हैं। वहां हाडी रानी अंदर कवर का चेहरा देखकर वीर रतन सिंह फिर से उलझन में आ जाते हैं और अपने सिपाही को रानी के पास भेजकर एक ऐसी निशानी की मांग करते हैं जो युद्ध में उनके पास रहे। लेकिन शायद यही वो पल था जिसे भगवान ने इतिहास लिखने के लिए सुरक्षित रखा होगा। राव रतन सिंह जी घोड़े पे सवार होने की स्थिति में थे, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये जो हमारे सात गोखड़े कहे जाते हैं, इस सात गोखड़े में रानी इंद्र कुंवर बैठी हुई थी जो देख रही थी कि राजा जी जा रहे हैं। और ये जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार से जब वो घोड़े पे बैठने लगे तो पीछे देखा तो रानी का चेहरा नजर आया। उन्होंने तुरंत वहां रुक के जो साथ में उनके पुरोहित था उसे भेजा कि जाओ आप रानी से एक कोई सैलानी लेके आओ तो मैं आगे युद्ध में जाके लड़ पाऊं। उसी पल जब सैनिक रानी के पास पहुंचता है तो रानी एक ऐसा फैसला लेती है जिस पर आम आदमी का यकीन कर पाना असंभव है। ये फैसला मेवाड़ की वीरता के सम्मान के लिए था, ये फैसला एक नारी की रक्षा के स्वाभिमान के लिए था, ये फैसला उस हाड़ा कुल के सम्मान के लिए था जिसमें अंदर कवर ने जन्म लिया था, ये फैसला चुंडावत कुल को कायरता के दाग से बचाने के लिए था। रानी फैसला ले चुकी थी और उन्होंने सैनिक से तलवार ली और कहा कि जो निशानी मैं तुम्हें दे रही हूँ उसे अपने राजा को जाकर दे देना, कहना अब मेरी चिंता न करे और अपने कुल के गौरव को बढ़ाने में जुट जाए। इस अंतिम वाक्य के साथ रानी ने अपना सर काटकर सैनिक के हाथ में रख दिया। कहा जाता है कि रावत रतन सिंह चुंडावत ने इस निशानी को अपनी गर्दन में धारण किया और औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। उस परिस्थिति में जब पुरोहित इंद्र कुंवर के पास पहुंचता है और इंद्र कुंवर को बताता है कि राजा जी आपसे कोई सैलानी मांग रहे हैं जो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो रानी के मन में आया कि अभी तक इनका मन मेरे प्रति मोह रहा है तो ऐसा कोई उपाय करूं जिससे इनका मोह मेरे से समाप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं आपको जो सैलानी देती हूँ, जो निशानी देती हूँ, वो आप राजा जी को राव साहब को भेंट कर देना। ऐसा करके उन्होंने तुरंत जाके अपने हाथ से अपने सर को थाली में रख के उस पुरोहित को दिया और ढक दिया। पुरोहित चुपचाप वह सैलानी लेके रतन सिंह जी के पास आया और आता कि क्या लाए, हाँ साहब ले आया। तो जब वो थाल में सजा हुआ उनका जो मुंड था उसको ऊपर से जैसे चुनरी हटाई तो उन्होंने देखा तो एकदम भाव विभोर हो गए वो, और उन्होंने उसे देखते ही फिर उन्होंने उस मुंड को अपने गले में मुंडमाल की तरह बाल को लपेट के एक माला की तरह पहन के वो यहां से प्रस्थान किए। जब निशानी के तौर पर रावत ने सेवक को भेज करके निशानी मांगी युद्ध जाते समय, तो उसे कहीं आशंका रही कि रावत का मन मुझ में अटका हुआ है, उसे लगा कि ये पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो उसने उसी समय तलवार लेकर के और अपना सिर काट करके सेवक के हाथ में भिजा दिया। और जब रावत ने रतन सिंह ने वह सिर देखा तो वह युद्ध के लिए उन्मुक्त हो गया और उसने जाकर के युद्ध को जीता।
ये सामने नजर आने वाला जो मुख्य द्वार है इस पूरे महल का, यही रावत रतन सिंह चुंडावत अपनी सेना के साथ में रणक्षेत्र के लिए रवाना हो रहे थे, और तभी उनकी नजर घूम करके एक बार फिर अपने उस महल पर जाती है जिसके झरोके से झांकती हुई उनको हाड़ी रानी नजर आती है। कहा जाता है कि यही उनका दिल कुछ कमजोर हुआ और उन्होंने अपने सैनिक को रानी के पास भेजा और निशानी की मांग की। बाद में रानी ने निशानी के रूप में अपना सर दिया और ये पूरी वीर गाथा आज हमको सुनने और जानने को मिल रही है। इस युद्ध में औरंगजेब की सेना की हार हुई और मेवाड़ का मान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। साथ ही अमर हो गया हाड़ी रानी का यह बलिदान जो कोई सोच भी नहीं सकता। इतिहास की इस अद्वितीय और अद्भुत बलिदान पर कन्हैया लाल सेठिया लिखते हैं, चुंडावत मांगी सेनानी सरकाट दे दियो क्षत्राणी। सलुम्बर से मनवीर सिंह, जी मीडिया। कलेजा हिल उठता है जब हम ये सुनते हैं कि रानी हाड़ी ने कैसे हिम्मत दिखाई होगी, किस मिट्टी की बनी होगी वो महिला जिसने अपने ही पति को अपना ही सिर थाल में सजाकर भिजवा दिया हो सिर्फ इसलिए कि उनके पति राजा रतन सिंह चुंडावत युद्ध में अपने कर्तव्यों से विमुख न हो जाएं। लेकिन यह साहस उनमें कहां से आया, कहां से बलिदान का यह मानस उन्होंने बनाया होगा, आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है। कहते हैं वीरता सिखाई नहीं जाती, यह संस्कारों में होती है। हाड़ी रानी के नाम से इतिहास में अमर अंदर कंवर को वीरता का यह संस्कार अपने पिता खंगार सिंह से मिला। इतिहासकार ये पता नहीं लगा पाए कि उनकी माँ का क्या नाम था, लेकिन ये माना जाता है कि उन्हीं की माँ ने बचपन में वीरता के किस्सों और कहानियों के माध्यम से उन्हें संस्कारित किया। हाड़ी रानी के खून में ही वीरता थी। हाड़ों का इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो एक बार उल्लेख आता है वीर दुर्गादास का, जब बूंदी के नकली किले को महाराणा को विजय नहीं करने दिया और उसने युद्ध किया महाराणा से और अपनी अपना बलिदान दिया। तो जहां एक बालक इतना वीर था तो वो पूरा वीरता उसके खून में भरी हुई थी। बताया जाता है कि अपने कुल के गौरव को सुरक्षित रखने की सीख अंदर कवर को अपनी बुआ से मिली, जिनका विवाह जोधपुर के जसवंत सिंह के साथ हुआ था। ये वही जसवंत सिंह हैं जो युद्ध में पीठ दिखाकर वापस महल पहुंचे तो उनकी रानी ने उन्हें महल में घुसने नहीं दिया और महल के द्वार बंद करवा दिए थे। उसको उस समय उस कठिन घड़ी के अंदर अपने जोधपुर वाले बुआ जी जो जसवंत सिंह जी की पत्नी थी हाड़ी रानी, वह याद आई और वो सोचती है उस समय कि जब जसवंत सिंह जी औरंगजेब को पीठ दिखा करके आ गए तो उसने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे और किले में उनको प्रवेश नहीं करने दिया और कहा कि मैं युद्ध से भागे हुए कायरपति का मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। बाद में यही रानी मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। उसी भुआ जी ने बाद में औरंगजेब से युद्ध किया, खुद जाकर युद्ध किया और जब वह गिर गई तो अपना पीठ चीर करके अपना बलिदान दे दिया। वहीं इसी वीर परंपरा को बढ़ाते हुए जब अंदर कवर को परिवार ने विवाह के बाद विदाई दी तो परंपरा के अनुरूप कहा होगा कि बेटी कुल की लाज रखना, यही कुल के संस्कार और वीरता के किस्से हाड़ी रानी को उस बलिदान का हौसला दे गए जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता। यकीन मानिए हाड़ी रानी ने बलिदान का जो रास्ता चुना वो एकाएक हुआ हो ऐसा नहीं है। दरअसल हाड़ी रानी की परवरिश में ही बलिदान की कहानी थी। रानी हाड़ी को जिस माहौल में पाल पोस कर बड़ा किया गया उसमें संस्कार ही ये थे कि किसी भी परिस्थिति में अपने कुल और मिट्टी के गौरव को जमींदोज नहीं होने देना है। रानी हाड़ी ने वही किया जो एक रानी होने के नाते मेवाड़ और सलुम्बर के लिए जरूरी था,
यही था बलिदान का मंत्र और यही था रानी हाड़ी के लिए राजतंत्र। हाड़ी रानी इंदर कवर के बलिदान को समझना होगा तो संस्कारों को जो इंदर कवर को अपने परिवार से मिले थे। इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि शौर्य का यह संस्कार उन्हें अपने परिवार से मिला था, वो परिवार जो बूंदी से संबंध रखता था। बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इन सारे संस्कारों की गवाही देती हुई नजर आती हैं और यही संस्कार ऐसे थे जिन्होंने रावत रतन सिंह चुंडावत को युद्ध में जाने के लिए मजबूर कर दिया। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया सलूम्बर। हाड़ी रानी के इस बलिदान की बात करते हुए एहसास होता है कि इस कहानी का एक किरदार रावत रतन सिंह चुंडावत कहीं कमजोर पड़ गया। अगर यह कहा जाता है कि मेवाड़ की रक्षा के लिए जान देने वाले चुंडावत कुल को रतन सिंह ने कलंकित कर दिया तो यह भी सही नहीं है। इतिहास के पन्नों पर रावत रतन सिंह चुंडावत की वीरता के किस्से उसी तरह से दर्ज हैं जैसे हाड़ी रानी के बलिदान के। इस किस्से के साथ पूरा न्याय तब तक नहीं होगा जब तक हम रावत रतन सिंह चुंडावत के इतिहास को जान नहीं लेते। रावत रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर के सामंत रघुनाथ सिंह के इकलौते पुत्र थे। रावत रघुनाथ ने भले ही 5 शादियां की लेकिन पुत्र केवल रतन सिंह ही हुए जो उनकी सबसे छोटी रानी सोहन कंवर की कोख से जन्मे थे। हाड़ी रानी के बलिदान का प्रसंग उस वक्त का है जब रावत रतन सिंह मात्र 18 साल के थे। इतनी कम उम्र में भी रावत रतन सिंह मेवाड़ के प्रशासक कार्यों को अंजाम देने का जिम्मा उठाए हुए थे जिसे भांजगढ़ कहा जाता है। रावत पहाड़ सिंह की 18 साल की उम्र में ही युद्ध भूमि में काम आ गए। 20-25 साल से अधिक उम्र यहाँ के रावतों ने करी ही नहीं। इसी के साथ विवाह से पूर्व रावत रतन सिंह ने एक नहीं बल्कि कई युद्ध लड़े और उसमें वीरता का प्रदर्शन करते हुए जीत भी दर्ज की। 1679 ईस्वी में झाड़ोल के युद्ध में औरंगजेब के सेनापति हसन अली खान को युद्ध में परास्त कर युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया था। 1680 ईस्वी में रतन सिंह ने शहजादा अकबर की सेना से तत्कालीन महाराणा के बड़े कुंवर अजय सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ की तलहटियों में घेरा और पीछे हटने को मजबूर कर दिया और चुंडावत सरदारों ने मुगल सेना को जमकर लूटा और मेवाड़ के लिए हथियार जमा किए। बाद में जय सिंह के महाराणा बनने के बाद भी रावत रतन सिंह ने लगभग 16 युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। रावत रतन सिंह इस युद्ध के बाद भी, हाड़ी रानी के उत्सर्ग के बाद और इस युद्ध के बाद भी जीवित रहे थे। वह युद्ध जीत करके आए, उस युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने महाराणा राज सिंह और महाराणा जय सिंह के साथ 17 प्रबल लड़ाइयां लड़ी। यदि इस पूरे परिदृश्य को जानने और समझने की कोशिश की जाती है तो इस बात का पता चलता है कि रावत रतन सिंह चुंडावत ने इस घटना के बाद जिस युद्ध को लड़ा उस युद्ध में वो विजयी भी रहे और उसके बाद 1-2 नहीं 17 युद्ध उन्होंने लड़े थे। बताया जाता है कि 1681 ईस्वी में एक सैन्य अभियान के दौरान रावत रतन सिंह चुंडावत की मृत्यु डूंगरपुर के मुंगेड़ गांव में हुई और इसी के साथ एक वीर की दास्तां का अंत हुआ। सलूम्बर से मनवीर सिंह, जी मीडिया। तो सलूम्बर की हाड़ी रानी और रावत रतन सिंह की कहानी ही ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अक्सर हमने देखा है कि राजस्थान के इतिहास को सिर्फ कुछ किस्से कहानियों में समेटने की कोशिश होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हर उस किस्से से आपको मुखातिब कराने की जो आपको गर्व के साथ साथ अनुभव करवाए रोमांच और आश्चर्य का। जहां राजस्थान में आजकल के दौर में समाज के अंदर चर्चा सिर्फ मां पद्मावती के जौहर और बलिदान के इर्द गिर्द होकर रह गई है, आज आपको हाड़ी रानी के बलिदान से जुड़ा यह गीत सुनना चाहिए। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ, मेरे साथ
राजतंत्र की पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।